नमस्कार दोस्तों, मैं मधुराज आपके कॉल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो ऑनर का लेटेस्ट फ़ोन है ऑनर 9 लाइट और जो ज़ियोमी का पॉपुलर फ़ोन है ज़ियोमी मी A1, आज हम इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो 15,000 के नीचे, तो आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की तो जो ऑनर 9 लाइट है उसके अंदर आपको 5.65 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है। मतलब ये एक 18:9 रेशियो वाली डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 2160x1080। अगर हम बात करें मी A1 की तो उसके अंदर आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080। ये एक 5.5 इंच की डिस्प्ले है। दोस्तों, अगर बात करें प्रोसेसर की जो ऑनर 9 लाइट है उसके अंदर आपको किरिन का 659 प्रोसेसर मिलता है जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो इसके पहले 4 कोर है वो काम करते हैं 2-3 GHz पे और जो बाकी के 4 कोर है वो काम करते हैं 1.7 GHz पे और ये आर्म कॉर्टेक्स A53 पे काम करता है। अगर हम बात करें GPU की तो इसके अंदर आपको माली का T830 GPU मिलता है। अगर हम बात करें Xiaomi Mi A1 की तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिलता है जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये 2 GHz का है और ये आर्म कॉर्टेक्स A53 पे काम करता है। मोस्टली जो फोन है 2017 में आपको स्नैपड्रैगन 625 के साथ देखने को मिले थे। 2018 में इसके अपग्रेडेड वर्जन आने वाले हैं स्नैपड्रैगन 630, 635। आपको जो 2018 में फोन मिलेंगे वो मोस्टली इन प्रोसेसर के साथ ही मिलेंगे। अगर हम बात करें रैम की तो ऑनर 9 लाइट में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 3 GB रैम और 4 GB रैम। जो 3 GB रैम वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलते हैं 32 GB इंटरनल स्टोरेज और जो 4 GB रैम वाला है उसके अंदर आपको मिलती है 64 GB इंटरनल स्टोरेज। और Xiaomi Mi A1 में सिर्फ आपको एक सिंगल ही वेरिएंट मिलता है जो है 4 GB रैम के साथ और उसके अंदर आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अब हम बात करते हैं कैमरेज की। जो ऑनर के अंदर आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, दो फ्रंट में दो बैक में। अगर हम बात करें बैक कैमरेज की तो इसके अंदर आपको 13+2 MP वाले कैमरे मिलते हैं और फ्रंट में भी सेम है 13+2 MP। बट जो Xiaomi Mi A1 है उसके अंदर आपको मिलते हैं 13-13 MP के दो कैमरे। जो पहला कैमरा है वो काम करता है F2.2 अपर्चर पे और जो दूसरा कैमरा है वो काम करता है F2.6 अपर्चर पे। ये दोनों के दोनों डुअल कैमरा वाले फोन ही हैं। Xiaomi Mi A1 में आपको सिंगल कैमरा मिलता है फ्रंट में जो है 5 MP का। मेगापिक्सल तब देखा जाता है जब आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं और अगर आप उसमें जूम करेंगे तो जो छोटा मेगापिक्सल कैमरा होगा तो फोटो फटने लग जाएगी। बट अगर फोन में मेगापिक्सल ज्यादा होगा तो फोटो इतनी ज्यादा नहीं फटेगी। ऑनर के अंदर आपको USB टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है बट जो Xiaomi Mi A1 है आपको इसके अंदर USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों फोन आपको ओरियो के साथ देखने को मिलते हैं। Mi A1 को आप ओरियो पे अपडेट कर सकते हैं और जो उसके बाद अगला एंड्रॉयड का मेजर अपडेट आएगा उस पर भी आप अपडेट कर सकते हैं क्योंकि जो Mi A1 है ये Android 1 प्रोग्राम के अंडर आता है। ये गूगल की तरफ से रन करा जाता है जिसकी वजह से दो मेजर अपडेट Android ओरियो और जो उसके बाद अगला मेजर अपडेट आएगा Android में वो आपको Xiaomi Mi A1 के अंदर देखने को मिलेगा। ऑनर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है बट Mi A1 के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी मिलेगी। अगर हम बात करें बैटरी की, जो Mi A1 के अंदर बैटरी है वो है 3080 mAh की और ऑनर के अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों के दोनों फोनों के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। जो Xiaomi Mi A1 है वो आपको 14,000 के अराउंड मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे या फिर आप Mi.com से भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनर 9 लाइट की, जो 3 GB रैम वाला वेरियंट है वो आपको मिलेगा 11,000 रुपीज के अराउंड और जो 4 GB रैम वाला वेरियंट है वो आपको मिलेगा 15,000 के अराउंड। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फोन लेना है। मैं दोनों के दोनों फोन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि कौन सा फ़ोन आपके लिए सही है। अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जो 2018 के ट्रेंड को मैच करे, मतलब 18:9 रेशियो हो, अच्छी लुक वाला फ़ोन हो, तो आप ऑनर 9 लाइट लीजिए। ये ऑनर 7X का ही अपग्रेड है। ऑनर 7X के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते थे बट ऑनर 9 लाइट के अंदर आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई लेटेस्ट फ़ोन चाहिए तो आप ऑनर 9 लाइट लीजिए। अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए जिसके अंदर आपको 4 कैमरे मिले, मतलब जो फ्रंट है उसके अंदर भी आपको डुअल कैमरा मिले, तो आप ऑनर 9 लाइट लीजिए। और अगर हम बात करें Xiaomi Mi A1 लेने के लिए क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर आपको एक ट्रस्टेड फ़ोन चाहिए जो 2017 में बहुत ज़्यादा अच्छी जिस फ़ोन की सेल हुई हो, तो आप Xiaomi Mi A1 लीजिए।
अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जिसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिले, गूगल की सारी मेजर अपडेट्स मिले, हर मंथ का सिक्योरिटी अपडेट मिले, तो आप Xiaomi Mi A1 लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा फ़ोन चाहिए, आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन चाहिए या फिर आपको 18:9 रेशियो डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, आपको 4 कैमरे वाला फ़ोन चाहिए या आपको एक ट्रस्टेड फ़ोन चाहिए जो बहुत ज़्यादा बिका हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले कि उन्हें कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, Honor 9 Lite खरीदना चाहिए या फिर Mi A1 खरीदना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पे जो गोल सर्कल है उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।